दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी रशियन लड़कियों का क्रेज कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है। अगर भारतीय पुरुषों की बात की जाए तो उनके अंदर तो रशियन लड़कियों के प्रति जो दीवानगी है वो देखते ही बनती है। कारण सिर्फ उनका गोरा होना नहीं बल्कि उनका गुलाब भी होना है। ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी होती है। जी हाँ, वो भी गुलाब की पंखुड़ी जैसी ही होती है। सफेदी की चमकार तो आपको देश विदेश में देखने को मिली जाएगी, लेकिन जो पिंकिश फ्लेवर होता है यह आपको कमी देखने को मिलता है। उसके ऊपर वो भूरे भूरे बाल, हरी नीली आंखें, ऊंची कदकाठी, ऐसे शारीरिक बनावट पर तो कोई भी अपना दिल हार ही बैठेगा ना। और यही कारण है कि दुनिया भर की खूबसूरत महिलाओं में रशियन फीमेल का नाम भी गिना जाता है। अरे आजकल की जनरेशन को क्या पता कि भारतीय पुरुष तो इन रशियन हसीनाओं के दीवाने तब से हैं जब राज कपूर की फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर। और सेम हालत देखो रशियन महिलाओं की भी है। उनके अंदर भी भारतीय पुरुषों को लेके एक खिंचाव तो देखा ही जाता है कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, इनके साथ जिंदगी बिताने की सोची जा सकती है। और जब उनके अंदर ये विचार आता है तो वो टाइम नहीं लेती, अपनी जिंदगी का फैसला किसी भारतीय पुरुषों के हाथों में दे देती है। और ये अपने आप में गौरव की बात है कि जिन भारतीय पुरुषों के ऊपर रशियन महिलाओं ने विश्वास किया, वो उनके विश्वास को उन्होंने बनाया, खरे उतरे, उन्होंने सिद्ध किया खुद को। चाहे फिर बात मेट्रो सिटी की हो या फिर वृंदावन मथुरा जैसी जगह पे, आपको ऐसी रशियन महिलाएं देखने को मिल जाएंगी जो भारतीय पुरुषों के साथ अपना घर बसा के आराम से बैठी है। घाघरा चोली पहने, बालों में गजरा लगाए, माथे पे बिंदी लगाए, कितनी वीडियो वायरल होती है इस तरह के कपल की, ट्रेंडिंग में जाती है। वो गाय बकरे चराती भी दिख जाएंगे आपको, उनके आचरण से, उनके पहनावे से आपको देखते पता लगेगा कि हाँ वो भारतीय संस्कृति में पूरी रच बस गई हैं। लेकिन ये हर रशियन लड़की की कहानी नहीं, कुछ आपको प्रोस्टिट्यूशन की मार्केट में भी डिमांड में नजर आ सकती है, जिन्हें घाघरा चोली पहनकर रीले बनाने का कोई शौक नहीं। वो या तो आपको पब में थिरकती भी नजर आएंगी या फिर बेड पे। वो आकर्षक लगती है, रंग रूप कुछ इस तरह का है कि अगर अंधेरे में बैठा दिया जाए तो ट्यूबलाइट की जरूरत ना पड़े, तो इस वजह से वो दूसरी कॉल गर्ल को टक्कर तो देती हैं, तो डिमांड में तो बनी हुई है। चिकचिक बाजी कम करती है, भाषा भले एक दूसरे की ना समझ में आए लेकिन सेक्स की भाषा बखूबी समझती है। पता है कि हाँ, देश हो या विदेश, कहीं का भी मर्द हो, उसको सेक्स में क्या चाहिए, मुझे क्या देना है, वो देना जानती है। अब क्योंकि वो विदेशी मानसिकता की, तो खुले विचारों की और खुलकर देती है। और एक आदमी को सेक्स के दौरान क्या चाहिए, वो बेशर्मी से किया जाने वाला सेक्स ही तो चाहिए। यही कारण है कि जब चार दोस्त साथ में बैठते हैं और ऐसा कुछ प्लान हो जाए, वो रंगीन या दिमाग पे सवार हो के हाँ कुछ करते हैं, तो मेडिएटर से सबसे पहले यही पूछते हैं कि रशियन मिलेगी। 1000-2000 रुपए ऊपर नीचे करने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, फालतू भी दे देंगे यार, रशियन अवेलेबल तो करा। अगर कोई मिस्टर इंडिया उस मिस रशियन का टेस्ट ले ले, उसके बाद तो उसे वही चाहिए, मतलब कुछ टाइम के लिए तो भाई वही चाहिए। एक हुड़क होती है ना कि यार अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम भी वही चाहिए, उसके बाद भी वही चाहिए। यही कारण है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है कॉल गर्ल मार्केट में बढ़ती जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है ना तो धांधलेबाजी भी बढ़ती है। ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए कि हाँ भैया पेमेंट कर दे, सर्विस नहीं थी, और उल्टा पीट पाट के और आ गए, मतलब मीडिएटर साथ में वो कॉल गर्ल पीट पाट के आ गए उसे। जब मार्केट में कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं ना यार, वो वहां पिट गया, वो लुट गया और कुछ मिला भी नहीं, तो सबसे ज्यादा मजा देसी कॉल गर्ल को ही आता है कि हाँ ले ले मजे, मिले, पता लगा रशियन चाहिए ना। अब आप लोगों के दिमाग में ना एक विचार जरूर चल रहा होगा, क्या रशियन फीमेल को क्या इंडियन पुरुष ही मिलेना, लैंग्वेज समझ में आती, वो रशियन है, उन्हें अपने रशिया में भी कोई नहीं मिला, और यूके यूएस जो उन्हीं की जैसे दिखती है वहां भी कोई नहीं मिला, इन्हें भारतीय पुरुष ही मिले। व्यवहारिक भाषा, भावनाओं की भाषा, ये सबको समझ में आती है, पर समझने वाला वो इंसान होना चाहिए और इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड ये बात फेमस है, रशियन के अंदर तो खासकर उनकी ये धारणा है कि रिश्ते को महत्व देते हैं, परिवार की अहमियत समझते हैं और टिकाऊ होते हैं। जिस इंसान को जिस चीज की कमी अपनी साइड लगती है, वो दूसरे में उसी चीज को तो पूरा होते जब देखता है तो आकर्षित हो जाता है। यार मैं यही चीज तो ढूंढ रहा था, या मैं यही चीज तो ढूंढ रही थी, मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ट्रस्ट चाहिए। तो जब वो उसे उस इंसान में मिलता है, फिर वो चाहे देश का हो या विदेश का, वो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाती है।
रशियन पुरुषों में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। रशियन क्या, आप दुनिया के किसी भी पुरुष को उठा के देख लो जो विदेशी धरती पे जन्मा है, उनके अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने को कमी मिलेगी। जहां गर्लफ्रेंड और बीवी की बात आएगी तो वो बंदा गर्लफ्रेंड को चुनेगा, बच्चे पैदा करके छोड़ देगा। भारतीय पुरुषों में भी ये चीज है, लेकिन आपको कमी देखने को मिलेगी, रेशो आपको कम देखने को मिलेगी। और कोई ऐसा करेगा भी ना तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेगा, अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये वाली चीज से तो ज्यादातर फीमेल जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, जिन्हें एक रिलेशनशिप चाहिए, आकर्षित हो ही जाएगी ना। अब सवाल है कि जो रशियन फीमेल है ये इंडिया में, इंडिया की कॉल गर्ल मार्केट में कैसे अवेलेबल हो जाती हैं? तो भैया इंडिया में क्या, ये तो दुनिया भर में अवेलेबल है। इंडिया में इनकी अवेलेबिलिटी इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडियन लोगों को वो सफेदी की चमकार को ज्यादा ही पसंद आती है, ज्यादा ही जाती है। और वैसे भी ये देह व्यापार गली कस्बों शहरों तक थोड़ी ना रह गया है, ये तो ग्लोबलाइज हो चुका है, प्लेन में उड़ रहा है, रेल के डिब्बों में सफर कर रहा है। और जो नहीं भी चाहती इस काम में आना वो मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं, फिर उनको उसी तरीके से यूज किया जाता है। ये अनैतिक काम तो देश विदेश में चल ही रहे हैं ना। आप आंखें बंद कर लो कि नहीं मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप वास्तविकता से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। किसी देश का रैंक आपको कम मिलेगा तो किसी का ज्यादा, लेकिन ये वाला बाजार हर जगह फैला हुआ है। और वैसे भी ये तो कहा गया है ना कि किसी देश का जब पतन होता है, वहां की सभ्यता जब दूषित होती है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट सबसे पहले वहां के बच्चे और स्त्रियों को ही भुगतने पड़ते हैं। आज रशियन गर्ल के नाम पे युवा चहकते हैं, चार पैसे फालतू भी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन इस धंधे में शामिल वो रशियन गर्ल के अंदर की बेबसी और लाचारी आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगी। दुनिया के कोई भी प्रोस्टिट्यूट हो, कोई भी कॉल गर्ल, वो इस काम को मन से तो कभी नहीं करती, सिर्फ देह से करती है, इसीलिए तो ये देह व्यापार है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि हर रशियन लड़की मजबूर नहीं है, वो अपने देश से भागी हुई नहीं है। कुछ लड़कियां इंडिया में भ्रमण घूमने के उद्देश्य से भी आती हैं। कोई दिल को भा जाए, बात आगे बढ़ जाए, दोनों की स्वीकृति अगर शामिल हो जाए तो वो यहीं पे डेरा बसा लेती हैं। इसलिए किसी भी पिंकिश रशियन लड़की को देख के दिमाग के घोड़े मत चलाने लग जाना कि हाँ ये तो अवेलेबल है, ये तो वही है 6,000 रुपए वाली, अभी बुक करो। वो आपके भाई, आपके भारतीय पुरुष की अर्धांगिनी भी हो सकती है, तो इस धोखे में मत रहना। यह था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको रशियन गर्ल के बारे में बताया, उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बारे में बताया कि इंडिया में उनका इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है, और रशियन फीमेल भारतीय पुरुष की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाती है उसका कारण बताया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वैसे रशियन फीमेल के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा व्यू है। शायद आप लोगों को वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, मसाला वगैरह तड़का वगैरह ज्यादा लगाया था ना उसमें मैंने। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक सेंड कर दूंगी, और आप चाहे तो खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, रशियन गर्ल रिया मल्होत्रा करके टाइप करोगे तो वो वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर व्यूज ज्यादा है तो एकदम से सजेशन में आ जाएगा, जाके वो भी वीडियो आप देख सकते हैं।